एक बार फिर रूबरू बन गया। एक और बड़ी खबर से मैं रूबरू कराते हैं। पंजाब में आपके प्रति दिख रहा है रुझान, पंजाब में झाड़ू चल गया है। रुझानों के अनुसार आपकी बनती दिख रही है सरकार। बड़ी खबर, केजरीवाल का जादू पंजाब में चल गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का जादू पंजाब में चलता दिख गया। भगवत मान है आपके सीएम उम्मीदवार। पंजाब में 65 सीट मिलती दिख रही है आम आदमी पार्टी को। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रति रुझान अब दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब में साफ दिख रही है। पंजाब की तस्वीरें आपके साथ, झाड़ू चलता दिख गया है आम आदमी पार्टी का। भगवत मान जो कि आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री के चेहरे, पंजाब में 65 सीट मिलती दिख रही है आम आदमी पार्टी को। आपको बता दे ये कांटे की टक्कर लगातार जारी। रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है पंजाब में। तो केजरीवाल का जादू पंजाब में चल गया है और एक बार फिर से हूटर बच गया है। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। हूटर बच गया है और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त लखनऊ से सरोजनी नगर बीजेपी राजेश्वर सिंह आगे, हाथरस से बीजेपी उम्मीदवार अंजुला माहौर आगे, शाहबाद से बीजेपी के रामवीर उपाध्याय आगे चल रहे हैं। महाराजगंज सीट पर बीजेपी को बढ़त मिल गई है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करहल से मुख्यमंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव आगे। बागपत की तीनों सीटों की बात कर ले, वाराणसी से बीजेपी उम्मीदवार को बहुमत। लखनऊ कैंट से मंत्री बृजेश पाठक आगे निकल गए हैं, बड़ी खबर। लखनऊ में सरोजनी नगर से बीजेपी के राजेश्वर सिंह आगे, हाथरस से बीजेपी उम्मीदवार अंजुला माहौर आगे, शाहबाद से बीजेपी के रामवीर उपाध्याय आगे, महाराजगंज सीट पर बीजेपी को मिलती बढ़त। भारतीय जनता पार्टी का डंका, करहल से अखिलेश यादव आगे। करहल विधानसभा से चुनाव लड़ा था अखिलेश यादव ने सपा सुप्रीमो ने। वाराणसी से बीजेपी उम्मीदवार को बहुमत मिल गई है। तो आपको बता दें लखनऊ में सरोजनी नगर से बीजेपी के राजेश्वर सिंह आगे निकल गए हैं, हाथरस से बीजेपी उम्मीदवार, शाहबाद से बीजेपी के रामवीर उपाध्याय आगे निकल गए हैं, महाराजगंज सीट पर बीजेपी को बढ़त मिल गई है, करहल से अखिलेश यादव आगे निकले हैं। वाराणसी से भी बीजेपी उम्मीदवार को बहुमत मिल गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ कैंट से मंत्री बृजेश पाठक आगे निकल गए हैं, बड़ी खबर। इस वक्त की उत्तर प्रदेश का रण, किसके सर पर ताज। हाथरस से बीजेपी उम्मीदवार अंजुला माहौर आगे, शाहबाद से बीजेपी के रामवीर उपाध्याय आगे निकल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का डंका एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बज रहा है, यानी योगी का बुलडोजर एक बार फिर चलने वाला है यूपी में। बागपत की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल गई है। करहल से बात कर ले, करहल विधानसभा से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था, अखिलेश आगे, लेकिन सपा पीछे दूसरे नंबर पर। शाहबाद से बीजेपी के रामवीर उपाध्याय आगे निकल गए, कांटी की टक्कर। चलिए अब आपको बयान सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह का। पटना में उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है यूपी चुनाव को लेकर। इस समय उन्होंने कह दिया दिल्ली हुई थी, उसी समय वो हार स्वीकार कर लिए थे। हमको अपने कामों पर विश्वास था, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास पर हमको विश्वास था, हमको नेता नेतृत्व और नीति पर और नियत पर विश्वास था, और उनको जो है अपने बाहुबल समाज तोड़ो अभियान पर विश्वास था, अनैतिक जो चरित्र के